अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कुली केएल राहुल निशम पांट एंड एलसीजी। तो देखते हैं जी वीडियो, अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट नाउ। दोस्तों, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली मुबारक, आपकी दिवाली शुभ हो। मेरा नाम रौनक है, रणतंत्र देख रहे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली आपकी उतनी ही खुशियों वाली हो जितनी खुशियां हमें इस साल T20 वर्ल्ड कप जीतकर मिली। वैसे भी दिवाली के दिन जब एक तरफ बाकी लोग अपने पटाखे छुड़ा रहे होंगे, उस वक्त क्रिकेट फैंस ये कैलकुलेट कर रहे होंगे कि उनकी फेवरेट IPL टीम ने किसको लिया, किसको छोड़ा और इसके क्या फायदे और नुकसान है। वैसे इस बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी बेंगलुरु के फैंस के लिए, वो ये कि विराट कोहली वापस से बेंगलुरु के कैप्टन बनने वाले हैं। ये खबर मार्केट में आग की तरह फैल चुकी है। इस पर एक अलग से वीडियो हमने अपने दूसरे क्रिको चैनल पर डाला है, जाकर जरूर देखना, क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये गुणागणित किस तरीके से करवट ले रहा है। लेकिन विराट की इस खबर ने सनसनी मचा दी है। इसके अलावा और भी सनसनी मच रही है, आज की वीडियो में वही आपको बताते हैं। अगर विराट कोहली की कैप्टन बनने की खबर पक्की है तो क्या अब हो सकता है कि केएल राहुल आपको वापस लखनऊ में जाते दिखें? कई लोग कह रहे हैं कि कोई लास्ट मिनट डिसीजन अगर हो जाता है तो चौंकिएगा मत, लेकिन हम आपको ये गारंटी से बता सकते हैं कि लखनऊ और केएल राहुल का ब्रेकअप हो चुका है और इस ब्रेकअप के पीछे जो वजह है वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों है। और हम आपको ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये ब्रेकअप राहुल ने किया है। लखनऊ वाले राहुल को रोकना चाह रहे थे और इसके लिए वो सबसे ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन राहुल ने कहा, मैं अब कभी लखनऊ के मालिक को मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। दिक्कत बस ये है कि राहुल को जितने पैसे में लखनऊ रोकना चाह रही थी उतने पैसे शायद उनको ऑक्शन में न मिले। इसके बावजूद राहुल भाई ने सोचा कि कम पैसे में गुजारा कर लूंगा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ गुजारा नहीं करूंगा। अब या तो राहुल बेंगलुरु में कोहली की कप्तानी में 1-2 साल खेलें और फिर कप्तान बने, या फिर पंजाब भी एक ऑप्शन हो सकता है जिसको कप्तान चाहिए, लेकिन वहीं से तो राहुल लखनऊ आए थे तो वापस वहां क्यों जाएंगे। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि बेंगलुरु के अलावा गुजरात, राजस्थान और चेन्नई ने भी राहुल से बात करके उनको अपनी साइड लेने का ऑफर किया है। अब फाइनली ऑक्शन में राहुल को कौन लेता है, ये बात देखने वाली होगी। भाई इतनी कंफ्यूजन तो लड़कियों को शॉपिंग करते वक्त नहीं होती जितनी कंफ्यूजन इस वक्त राहुल भैया को होगी। अगर आप राहुल होते तो कहां जाते, किस टीम में जाते, बेंगलुरु या फिर कहीं और? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते, एक और ताजा खबर आई है कि गुजरात ने अपनी रिटेंशन पक्की कर ली है। गुजरात की भी बीच में थोड़ी सी चोक ढीली हो रही थी, क्योंकि खबरें आ रही थी कि अंबानी जी ने राशिद खान को कहा है कि किसी भी तरीके से ऑक्शन में आ जाओ, हम तुमको वहां से उठा लेंगे। आपको बता दें कि राशिद खान साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग है वहां पर मुंबई की ही सिस्टर फ्रेंचाइजी में खेलते हैं। अब तब ही से मुंबई वालों का दिल राशिद पर आया हुआ है। गुजरात वालों ने कहा कि इतनी डकैती तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन भी नहीं करते जितनी अंबानी जी गुजरात में कर रहे हैं। पिछली बार का जो कैप्टन हार्दिक था उसको भी ले गए और अब राशिद पर भी डोरे डाल रहे हैं। लेकिन ये बात ऑलमोस्ट फाइनल है कि राशिद गुजरात में ही रहेंगे। बल्कि बड़ी खबर ये नहीं है कि राशिद गुजरात में रह रहे हैं या नहीं, बड़ी खबर है कि शुभमन गिल ने भी गुजरात में ही रिटेन होना पसंद किया है। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि शुभमन गिल के पास भी पंजाब और बेंगलुरु से ऑफर था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ दिन और गुजारेंगे गुजरात में। बल्कि आज शाम को आपको यह भी सुनने में मिल सकता है कि शुभमन गिल राशिद खान से भी कम पैसे में खेलें, क्योंकि शुभमन गिल एक लीडर बनना चाह रहे हैं और उन्होंने गुजरात के लिए एक बढ़िया टीम बनाने की खातिर खुद की फीस में कटौती करी है। क्या ये साल शुभमन गिल गुजरात के लिए ट्रॉफी जीत सकते हैं? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। तब तक हम आपको आज होने वाले रिटेंशन की तीसरी हाईलाइट भी बता देते हैं। राहुल और श्रेयस अय्यर पर तो हमने बात कर ही ली है कि इन दोनों का अपनी अपनी टीम से ब्रेकअप हो गया, लेकिन अगर मेरे सोर्सेस सही हैं तो आज आप एक और हैरान कर देने वाली न्यूज देखेंगे, और वो ये कि ऋषभ पंत ने भी दिल्ली से ब्रेकअप कर लिया है और वो भी अब आपको ऑक्शन में दिखाई दे सकते हैं। यानी IPL 2024 के 3 कप्तान ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और KL राहुल अब की बार ऑक्शन में बिकेंगे। मेरे हिसाब से तो इस ऑक्शन को अब तक का सबसे मजेदार ऑक्शन बना दिया इन लोगों ने। एक और प्रेडिक्शन करता हूं, अगर ऋषभ पंत ऑक्शन में आए तो शायद मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस का सबसे महंगा बिकने का रिकॉर्ड भी वो तोड़ दे। अगर पंत ऑक्शन में आते तो बहुत सी टीमों की रिटेंशन स्ट्रेटजी बदल जाएगी। क्या चेन्नई वाले ऋषभ पंत को खरीदने के लिए कम प्लेयर्स रिटेन करेंगे, या फिर पंत ने किसी और टीम के साथ सेटिंग कर रखी है? इस बीच एक बात आपको और कंफर्म बता देता हूं कि धोनी ने भले ही लास्ट दिन तक लटका के रखा हो, लेकिन यह बात कंफर्म है कि धोनी आज रिटेन होने वाले हैं अनकैप्ड कैटेगरी में। यानी थला के फैंस एक बार और तैयार हो जाइए, और आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज शाम को यह साफ हो जाएगा कि कौन रुका और कौन गया। IPL प्लेयर रिटेंशन पर एक स्पेशल वीडियो हम आपके लिए कल सुबह लेकर आएंगे, और कल आपसे दोबारा फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि मुंबई टेस्ट का पहला दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ कल ही है। उसका हालचाल और बवाल लेकर भी हम कल शाम को मिलेंगे। यानी दिवाली के अगले दिन, छुट्टी वाले दिन आपको दो वीडियो मिलेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके जाना। इतनी सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखते हैं मेरे सोर्सेस कितना सही निकलते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद और हैप्पी दिवाली।
भाई साहब इस दफा तो भाई जो कैप्टन थे दूसरी टीमों के वो भी छोड़ के ऑप्शन में आ रहे हैं, उनकी भी बोली दोबारा से लगेगी। भाई वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना, जितना गुड़ उतना मीठा। अब मुंबई के जो है, मुंबई के वो जो अपना खानदान है अंबानी, वो उनकी टीम है मुंबई इंडियंस, तो वो जिसको चाहे जितना मर्जी पैसा दे के खरीद तो दे भी रहे हैं भाई, दे भी दे हैं। वो यकीन मान खिलाड़ियों की इतनी मांग ही नहीं जितना वो पैसा दे रहे हैं। तो भाई उन्हें इस मेरी बात सुनो, बात तो ये है भी तो भाई उन्होंने फिर प्लेयर भी वर्ल्ड क्लास फिट चुन चुन के लेने हैं जो उनको ये ट्रॉफी जितवा है। तो पैसा इसीलिए लगाया जाता है कि वो पैसा लगाया है, उनका ये भी बिजनेस ही है। वो भाई खिलाड़ियों अच्छे अच्छे खिलाड़ी इसीलिए खरीदते हैं ताकि वो चाहिए कि ट्रॉफी हम ले जाए आगे। तो चलो पता चलता है, ये जरूरी नहीं कि जो महंगे खिलाड़ी हैं या अच्छे एक साइड पे हो गए जो दूसरे हैं वो खेल नहीं सकते, वो हार जीत नहीं सकते, वो भी जीत सकते, लेकिन हर किसी की कोशिश यही होती है मैं अच्छे अच्छे खिलाड़ी लोग मेरी ही टीम जीते और टीम भी जितना साथ में भाई साहब उनकी एडवर्टाइजमेंट ही थोड़ी ना हो जाती पूरी। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा भाई आप कह रहे हो कह रहे हैं ना, ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपाकिस्तान अता के चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, ये बात में एक बीच में ले हो तो पाकिस्तान को ने इनको ऑफर भी दी, ये वो भाई मजबूरी बन जाती है। मजबूरी ये कि सिर्फ जो यकूब भाई आईपीएल 2023 हुआ है ना, आईपीएल ने अपनी जो गवर्नमेंट है ना उसको 955 करोड़ रुपया सिर्फ टैक्स दिया है, विनिंग केस के अलावा प्लेयर को जो पैसा दिया उसके अलावा सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया यहाँ पे अपने प्लेयर को खिलाने का। तो फिर मजा भी आता है देखने में, ये भी यार 1000 करोड़ रुपया सिर्फ टैक्स दे रहे हैं अपने प्लेयर इधर खिलाने है। भैया सारी दुनिया के खिलाड़ी जो मौजूदा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, बॉलर बेस्ट पर फील्डर, वो चाहते हैं कि हमारा नाम भी आईपीएल में आ जाए, उधर जाए। मेरी बात सुनो, जो था पैट कुमिंस और दूसरा कोलकाता की तरफ से जो खेलते थे उनका बॉलर मिचेल स्टार्क, एक ऑस्ट्रेलिया का पिछली बार उसकी सबसे ज्यादा बोली लगी है। एक सीजन उसने खेला कितना, डेढ़ माह होती है कि दो माह होती है, डेढ़ माह तक, दो माह, तो उसने 23 करोड़ रुपया लिया है 11 मैचों का, जितना पैसा है जितना काम चलता है उतनी होने, तो उधर का एक कितना 23 करोड़, दो माह की आईपीएल को इधर कर लो भाई साहब वो कितने करोड़ बन जाते हो, तो यार डबल ट्रिपल हो जाना है हमारे तो चार पीएसएल वो चार। लेकिन एक बात है, एक बात है कि उनका ये आईपीएल है ऐसा क्रिकेट में ना, क्रिकेट लेवल पे ना देखो जाओ जितनी एडवाइसमेंट उसने जितनी नौकरियां प्रोड्यूस की है जितना इंडिया को उसने बेनिफिट दी वो बिल्कुल आपको क्रिकेट नहीं रही, वो क्रिकेट भी वो बिजनेस है, वो ब्रांड है, उसके पीछे देख कितने काम करोड़ों खरबों के चल रहे हैं। पिछले आईपीएल में मैं हैरान हुआ, आप कहेंगे ना पता नहीं ये ऊपर वाले छोड़ दिया 955 करोड़ इन्होंने वो दिया 450 पूरी इनके एंड पे जो ना बैलेंस शीट आपको पता जैसे एंड पे सारी निकाल 450 प्लेयर थे और इंटरनेशनल और नेशनल जो एडवर्टाइजमेंट या स्टिकर आगे लोगो आगे पीछे 2000 कंपनियां इन्वॉल्व थी इसमें, तो वो आप ही देख लो कितना। तो भाई पैसा तो दिखता है, पैसा इधर मिल रहा है आ रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और आप याद भूल गए हो, इंडिया के नए खिलाड़ी आपने देखे ना इस आईपीएल से निकल के आते ही दुनिया के स्टारों में उनका नाम आ गया भाई। बात वही है, उनका डोमेस्टिक सिस्टम मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। अगर वहां पे क्रिकेट खेलनी है आपको मैदान में जाना पड़ेगा 8 से 9 साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में जैसे तेंदुलकर ये सारे आते हैं आप उतनी देर पॉलिश हो जाते हैं, अच्छे अच्छे कोचों के अच्छे खिलाड़ी के थल्ले, अच्छा जो कोहली के थल्ले खेले गए इसके नीचे, विराट शर्मा के नीचे, जो तेंदुलकर नीचे बड़े बड़े स्टारों के नीचे आएंगे सीखने को कितना मिलेगा। हम क्यों, मैं उनकी हमेशा क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी सिर्फ एक वजह प्लेयर होने की, बात ये है वो अब खुद बैट्समैन था कैप्टन था उसने अपने नीचे कैप्टन बनाए, हमारे यहाँ नहीं बनाते। चलो हमारे भी रिलेशन अच्छे होते तो भाई हमारे भी खिलाड़ी जब खेलते पहले आईपीएल खेलते दुनिया में सबसे ज्यादा धूम हुआ। लेकिन एक बात है, पहले आईपीएल जो शोएब अख्तर ने पहले खेला था ना बंद किया था, सबसे ज्यादा विकेट 23 विकेट ली थी शोएब हमारे, वो खप्पा बाल जो क्या है शोएब अख्तर की
आईपीएल की सबसे ज्यादा विकेटें वो ले गया था, वो जीते भी थे। तो पहले दो ओवरों में चार और शोएब अख्तर ने उसका टॉप क्लास किया। सारी टीमें अच्छी खेल, जितने खिलाड़ी अच्छे हैं आईपीएल की बड़ी धूम मची। कल कोई बात हो रही थी ना उसकी ऋषभ पंत की, तो दूसरी केएल राहुल की, तो ये केएल राहुल कैप्टन नहीं बनेगा। केएल राहुल की बात ही नहीं वहां पे हुई, आपको समझ नहीं आया। मैं वैसे बात करूं उसके नीचे खेलना पसंद करेगा, उसका ऑप्शन होगा। अब उसको गुजरात भी रिटेन करना चाहती है, मुंबई भी, इस तरह दो तीन। अब देखेंगे कि किसके तरफ जाए, किस मतलब अपना फ्रेंचाइज के साथ वो सूटेबल रहता है या कंफर्टेबल रहता है। चलन जी देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई आईपीएल बाकी ब्रांड बन चुका और इसमें चुका नहीं है भाई, और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ब्रांड है उनका पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है। सभी लगे कोई स्टार देख ले वो भी इसमें पैसा इन्वॉल्व किया हुआ है, बिजनेस मैनों ने भी किया हुआ है। पीछे से एक खबर आई थी, इसने मुआहदा किया है विराट कोहली ने एडिडास के साथ। यकूब आपको पता ही है, बिल्कुल एडिडास के साथ मुआहदा किया 3 साल के लिए कि मैंने आपके 3 साल अपना शूज यूज करूंगा, आपके वो ग्लव्स यूज करूंगा, हेलमेट पे एडिडास का वो उनको सॉरी पुमा का, एडिडास के वैसे ना पुमा सॉरी पुमा जो कंपनी है उनके जॉगर सारा कुछ यूज करूंगा। सिर्फ चीजें भी उन्हीं की इस्तेमाल करनी, सारा कुछ 200 करोड़ का मुआवजा ब्रांड जो है भाई, 200 करोड़ पुमा ने देना है 3 साल में इसे, सिर्फ इसने उनकी चीजें यूज करनी। तो एक स्टार बंदा जब वो चीजें इस्तेमाल करेगा, हमारे जैसे लाखों करोड़ों बंदे हैं। आपने देखा था जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, छोटी कराची के अंदर कितनी थी, एक दुकान वाला बता रहा था 8 दिन के अंदर मेरी लाख के ऊपर शर्टें अभी शुरू भी नहीं हुआ मेरी बेटी। यार इसने इतना किया, विराट कोहली की शर्टें इसने सिर्फ देख वो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कितनी होंगी। गजा में वो जो बमबारी हुई थी ना, तो इसने कोक की बोतल उठा के थोड़ी साइड पे रखी थी रोनाल्डो ने, तो आधे पौने घंटे में $4,000 कोक की सेल गिर गई थी। अपनी राय रोकता है।